दोस्तों पहले ऐसा होता था कि आपका फ़ोन चोरी हो जाता था, लेकिन आप कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं करते थे, सोचते थे गया फ़ोन सो गया। लेकिन आज के ज़माने में अभी हो चुकी है दुनिया डिजिटल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आप उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और इसमें आपके 75% चांसेस हैं कि आपका फ़ोन मिल जाए, और साथ ही अगर नहीं भी मिले तो उसका भी किसी भी तरह का दुरुपयोग नहीं होगा। जी हाँ, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह से अपने मोबाइल खोए हुए मोबाइल को, अपने डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं, साथ ही किसी गलत इंसान के उसको यूज करने से बचा सकते हैं। यानी कि कोई भी बंदा आपके फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, भले ही कोई बंदा पा गया आपके फ़ोन को। तो कैसे करना है इस वीडियो में थोड़ा बने रहो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन अभी बता दो, ये जो पोर्टल है एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लॉन्च किया गया, जो कि काफ़ी दिनों पहले लॉन्च हुआ था। हालांकि सबसे पहले ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था 2019 में, तब मैं महाराष्ट्र में ही था। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी गई है, जो कि मुझे तो यार काफ़ी वाकई अच्छी लगी। तो वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसके लिए मुझे वीडियो के नीचे जैसे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, साथ ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो सिंपली अपने फ़ोन का आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, चाहे फ़ोन को हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे टाइप करना है CEIR। जैसे आप गूगल क्रोम पे डालेंगे डायरेक्टली आपको इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, और चलिए मैं आपको एक्चुअली स्क्रीन में करके दिखाने वाला हूँ बाद में। पहले आप थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या आपके नियम होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, जो कि एकदम ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, आपके पास होने ही चाहिए, नहीं तो आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, पहली बात आपको करना क्या है, अपने फ़ोन का जो है बिल होना चाहिए। बिल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जब आप फ़ोन कहीं से ख़रीदते हैं तो किसी भी चीज़ का बिल आपको ज़रूर दिया जाता है, तो आपके फ़ोन का भी बिल आपके पास होना चाहिए, तभी आप शिकायत कर सकते हैं। एंड दूसरा नंबर, आपके फ़ोन का EMI नंबर ज़रूर होना चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने उनका फ़ोन का EMI नंबर नहीं मालूम होता, लेकिन फ़ोन के बिल में ही EMI नंबर लिखा रहता है, यह बात आपको समझ लेनी है। दूसरा, अपने फ़ोन को अगर नहीं पता है तो आपको सिंपली अपने फ़ोन के डायल में जाना है, पहले ही आप निकाल के रख लेना है, भविष्य में ऐसा हो। इससे पहले आपको क्या करना है, *#06NA*, जैसे आप इतना डालेंगे आपके पास डिस्प्ले पे EMI नंबर आपके दोनों लिख जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना आप दोनों EMI वहाँ पे फिट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो है ओरिजिनल ID प्रूफ एक होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, वोटिंग कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई सा भी एक ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद ही आप उसे वैलिडेट कर पाएंगे कि मैं जो कंप्लेन कर रहा हूँ ये मतलब मैं ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा है। तो इतनी चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, पुलिस कंप्लेन में स्टेशन में आपको एक कंप्लेन लिखवानी है, और उसका एक कॉपी लेना है अपने पास। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन नहीं पता है किस तरह से शिकायत करते हैं मोबाइल खोने पे, तो मैं इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो कोई और है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करते हैं। इसके बाद सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली इसकी वेबसाइट पे जाना है, और इसके आगे के ट्रिक जो आप चल के अपने मोबाइल के स्क्रीन में आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ किस तरह से करना है, ताकि आपको जो मैं आप समझाऊँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के फ़ोन चोरी हो रहे हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर अगर आप शिकायत करते हैं तो कोई बंदा आपके फ़ोन का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा, दूसरी बात आपके फ़ोन का जो डाटा है अच्छी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं आने वाला है। तो चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे चलने के बाद हम आपको वेबसाइट के बारे में बताते हैं और किस तरह से शिकायत करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देन स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले अपने फ़ोन का गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, चाहे आप गूगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अपने गूगल क्रोम से करने वाला हूँ। इसके बाद सिंपली गूगल क्रोम में जाने के बाद तो सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर ही टाइप कर देना है CEIR। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे आ जाएगा, इस पर टैप करना है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपको आ चुका है ब्लॉक स्टोलेन लॉस्ट मोबाइल अनलॉक, यानी कि अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका फ़ोन खो गया था, मिल गया है, तो आप उसे यहाँ पे अनलॉक भी कर सकते हैं, और आपने शिकायत जो करी है उसका यहाँ पे स्टेटस उसका चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन का क्या हुआ। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कंप्लेंट्स किस तरह से अरेज करनी है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सिंपली आपको ब्लॉक स्टोलेन पर क्लिक करना है, देन आपको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा हुआ है, गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक एवं अनब्लॉक कर सकते हैं।
तो देन सबसे पहले आपके फ़ोन को यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड रहता है तो अपने दोनों सिम कार्ड नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए मैं उदाहरण के लिए कोई सा भी नंबर एक चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 अंकों का ही नंबर आएगा, इससे अधिक कोई आएगा भी नहीं। तो चलो मैं कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे इसे चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद अपने फ़ोन का EMI नंबर डालना है। EMI नंबर ध्यान रखना है, आप फ़ोन के सिम कार्ड के साथ साथ दो EMI नंबर भी फ़ोन के होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिसमैच होगा तो हालांकि आपको मिसमैच ही बताएगा, क्योंकि जो हमने डाल रहा है ऑलरेडी वो मिसमैच ही है, क्योंकि हम दोनों को सेम जगह पे नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड EMI बता रहा है क्योंकि हमने करेक्ट नहीं डाला है। इसके बाद अपने फ़ोन का डिवाइस ब्रांड डालना है। तो जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन जो है वीवो का है, तो हम वीवो के मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली आपको डिवाइस ब्रांड पर जाएंगे, तो डिवाइस ब्रांड पर जाने का सिंपल आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा वीवो का फ़ोन है या फिर ओप्पो का है, तो मैं ओप्पो डालता हूँ, ओप्पो। तो मैंने जैसे ओप्पो सर्च किया, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो का आ चुका है, गुन गुन डंग ओप्पो मोबाइल ऐसा करके शो है इनका वेबसाइट, तो उस पर आ चुका है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नीचे आ जाना है ओप्पो का कौन सा मॉडल है। तो मान लीजिए हम कोई सा भी मॉडल लेते हैं, Y54 ऐसा कुछ कर डाल देते हैं, 53 डालते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो ओरिजिनल आपके फ़ोन का बिल है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे आपके फ़ोन का कैमरा हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, वीडियो से भी कर सकते हैं, कैमरे से भी कर सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड करके डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइल से भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो सिंपली कैमरा वाला भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपका लॉस्ट प्लेस, आपने कहाँ पे मोबाइल को खोया, तो आप स्टेट की डालने के जाए कोई सिटी डाल सकते हैं नियर में। इसके बाद लॉस्ट डेट डालना है आपको, डेट के साथ टाइम भी सिलेक्ट करना जरूरी यहाँ पे दिया गया है। एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता रहता है, लेकिन आसपास के उसके टाइम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार चूज़ कर लेता हूँ, चलो कोई मैं गुजरात चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नियर पुलिस स्टेशन चूज़ कर लेना है। तो नियर पुलिस स्टेशन अभी आया नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेट अभी मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी मैं, हाँ अभी आ चुका है, तो अभी मैं गुजरात के जगह कोई सूरत का भी डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं सूरत रूरल कर लेता हूँ, चलो सूरत सिटी में कर लिया। और यहाँ पे इसके बाद आपको कंप्लेन नंबर भी डालना है, जो कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे हैं या फिर ऑनलाइन कंप्लेन किए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, जो इस कंप्लेन नंबर यहाँ पे यानी कि जो कंप्लेन का कॉपी होता है उसको यहाँ पे चाहें तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको दिया जाता है ऑनलाइन पोर्टल से। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली जो हॉट कॉपी आपको दी जाती है, तो उसका आपको फोटो लेके यहाँ पे अटैच कर देना है। इसके बाद मोबाइल ऑफ ओनर पर्सन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सिंपली जो ओनर का नाम डालना है, जिसके नाम से मोबाइल है, यानी कि जो बिल में मोबाइल नंबर जिस के नाम से बिल है उसका आपको नाम यहाँ डालना है, और उसका एड्रेस डालना है। इसके बाद आइडेंटिटी में चूज़ कर लेना है क्या डालना है। तो वोटर यहाँ पे आप मिल जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर अदर आइडेंटिटी, यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देने की वो है, यानी कि ज़रूरत नहीं है कि आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, और यहाँ पे आपको कोई सा भी एक नंबर फीड कर देना है। यहाँ पे हालांकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, वो मोबाइल आपको चाहिए ही चाहिए जो मैंने मोबाइल नंबर ऊपर डाला है 88 वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला हमारा मोबाइल नंबर है, वो उस मोबाइल को आपको निकलवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली गेट OTP क्लिक करना है। तो गेट OTP जैसे आप क्लिक करेंगे, कैप्चर वैप्चर मैंने कुछ फिल नहीं किया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है सबमिट पे। इसके बाद गेट OTP क्लिक करेंगे, और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है काम सक्सेसफुल हो जाएगा OTP डालने के बाद। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपका फ़ोन मिल जाता है तो क्या करेंगे, हालांकि मैं आपको बता दूँ पहले इसमें ID आपकी बनानी पड़ती है, यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, यहाँ पे नीचे जाके अगर लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है तो। इसके बाद आपको वापस चले जाना है होम पेज पे, जैसे अनब्लॉक करना है आपका फ़ोन मिल गया तो, यहाँ पे सिंपली आपको अनब्लॉक फोन मोबाइल पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उस पर जाएंगे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है रिक्वेस्ट ID, यानी कि जैसे आप वहाँ पे एक अपना जो है मोबाइल चोरी का वो करेंगे, आपके पास एक रिक्वेस्ट ID आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। इसके बाद आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट ID डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच वॉज प्रोवाइड फॉर OTP, यानी कि जब आपने OTP के लिए मोबाइल नंबर डाला था वह नंबर आपको यहाँ डालना है। इसके बाद यहाँ पे रीजन चूज़ करना है कि भाई आप कौन क्यों अनब्लॉक कर रहे हो। तो यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि मोबाइल आपको किसके द्वारा मिला। यहाँ आपको बता दूँ पुलिस के द्वारा आपके फ़ोन को रिकवर कर किया जाएगा इस कंप्लेंट के जरिए। इसके बाद आपको लिखना है फोन बाय सेल्फ, अगर आपके खुद के द्वारा मिल गया है या फिर ब्लॉकेड बाय मिस्टेक, यहाँ पे तीनों रीज को आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर रीजन में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है, देन आपको यहाँ पे इमेज का जो है डालने के बाद वापस अपने मोबाइल नंबर एक डालना है। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और अपना फ़ोन पे ओटीपी आएगा और उस पर हम डाल के सबमिट करेंगे, आपका जो है मोबाइल हैंग जो है अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए अपने रिक्वेस्ट नंबर कैसे जानेंगे, यानी कि जो है आपका स्टेटस क्या है उसको कैसे जानेंगे, तो चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट आईडी डालना है और सबमिट कर देना है, आपके पास जो उसकी स्टेटस होगी आपके पास शो कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और क्या आपको इसके बारे में कुछ समझ में आया, फिर क्या आपको पता था नहीं पता था, लेकिन आपको अगर नहीं पता है कि हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अभी सर्विस ये लॉन्च नहीं हुई है ऑफिशियल, तो चलिए इसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट यस, अगर आपको नहीं पता कंप्लेंट कैसे करनी है तो आपको डायरेक्टली इसका कंप्लेंट नंबर भी दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप फोन करके टाइम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर अपना स्टेटस जान सकते हैं, या फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे इस अपना ईमेल आईडी भी इन्होंने दे रखा है और यहाँ पे न्यू दिल्ली का नंबर भी है, यानी कि इनका ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आप अपना चूज़ करेंगे कि भाई आपके स्टेट में लंच हुआ है इसका सर्विस या नहीं, तो कैसे करेंगे इसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पे इसका पोर्टल भी मिल जाता है, वीए पोर्टल, या फिर डायरेक्टली आप उसका पोर्टल पर चले जाएंगे, यहाँ पे उसका ओटीपी वगैरह जाएंगे तो आपका जो पोर्टल खुल जाएगा, या इसकी एप्लीकेशन भी है तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट चूज़ करने के लिए आपको स्टेट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सीआईएस सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है तीनों ऑप्शन जो कि स्टार्टिंग में दिया गया था। इसके बाद एप्लीकेशन का दिया गया है, ईएमआई वेरिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाते हैं, अगर कोई ईएमआई नंबर को वेरीफाई करना है, या फिर नो योर मोबाइल ऐप या इसके बारे में दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में दिया हुआ है, हाउ टू अनब्लॉक ये भी आपको पढ़ने को मिलता है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं कि आपके जो है एरिया में जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, हो गए शायद मेरे हिसाब से, बट 2-4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी इसकी सर्विस नहीं काम कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है समथिंग सभी स्टेट में ये आने वाला है। हालाँकि मेरा जो है फ़ोन का इंटरनेट काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से मेरा जो है पोर्टल खुल नहीं रहा है। अभी इसके बाद हम चल देते हैं इसके आगे, यहाँ पे मिल जाएगा उसके कुछ हैं यहाँ पे आपको दे दिया गया है। बाकी आपको उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को नीचे कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें, और थैंक यू सो मच, वीडियो यहाँ तक देखें।